राहुल गांधी जी ने आज, अभी इन्होंने जिस तथ्य का उल्लेख किया, मैं एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं कि 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में यह कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृहमंत्री सही थे या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? मुझे लगता है सुशील शिंदे जी से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे जॉर्ज पुरिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, आज उन्होंने बहुत, जैसा कि आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि भगवानों की फोटो लेके आने की बात करते हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है तो उनको अभय मुद्रा कहां से दिख गई? ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओं इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है? और दूसरा, वो भगवान शंकर की के चित्र को दिखा रहे थे जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसपे लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति असंप्रक्त हैं। रामचरितमानस में लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु वरदांग निवासी, अनादि रूप से शिव शक्ति साथ। और एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहता हूं, राहुल गांधी ने बहुत धर्मों का उल्लेख किया पर राहुल गांधी ने शपथ तो ईश्वर के नाम की नहीं ली, यह सॉलमली अफर्म, ये उनका अधिकार है, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे। परंतु यदि आप ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर में निष्ठा नहीं रख रहे हैं और फिर ईश्वर के चित्र दिखा रहे हैं। और मैं ये भी आप लोगों के सुलभ संज्ञान को बता दूंगी, 2014 में राहुल गांधी ने शपथ ईश्वर के नाम की ली थी और हिंदी में ली थी। 2014 से 24 में क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम की शपथ से सॉलमली अफर्म पे आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे? और तब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया, ईमान। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गंभीरता के साथ, जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा, परिपक्वता के साथ आचरण करें। अभी नए नए एलओपी बने हैं, उत्साह ज्यादा है, उच्छृंखलता ज्यादा है, तो मुझे लगता है गंभीर और परिपक्वता से विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और सदन भी अपेक्षा करता है कि यदि उनकी संख्या बढ़ के आई है तो उत्तरदायित्व भी बढ़ के आया है और उसके अनुरूप उन्हें आचरण करना चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए, जैसा अटल जी ने, अडवाणी जी ने, सुषमा जी ने, राज्यसभा में जसवंत सिंह जी और अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था उसके अनुसार। मुझे मुख्य जो विषय है उसका तो जिक्र किया है अश्विनी जी और फिर सुधांशु जी ने ऐड किया है। आज हमारा स्पेशल सेशन का फर्स्ट एक तरीके से प्रॉपर जो डिबेट आज शुरू हुआ। एक सेशन, एक दिन हमारा नुकसान हुआ तो 16 आवर्स डिस्कशन का टाइम दिया है, तो कल प्रधानमंत्री जी का जवाब होगा लोकसभा में। मैं सिर्फ इसलिए आपको एक विषय रखना चाहता हूं आपके सामने में,
हमने 2004 से श्री राहुल गांधी जी को देखा है तो कोई पद में नहीं थे तो उसका व्यवहार भी बहुत हल्कापन और नाटकीय मजाक ऐसे चलते थे और कभी कभी स्पीकर अचानक से 3 बजे राहुल का भाषण होगा, ना वो मंत्री है ना पार्टी का अध्यक्ष ना कुछ नहीं, ऐसे वहां पे उसको मौका देता था, हम लोग देखते थे ये सब। आज लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं और संवैधानिक पद पर है तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेवियर में उनके आचरण में कुछ सकारात्मक बदलाव होगा, ये हम उम्मीद कर रहे थे। आज जब लीडर ऑफ अपोजिशन नाते से उन्होंने जब अपना बात रखने शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी जैसे हमेशा करते हैं एलओपी का भाषण में प्रधानमंत्री जी मौजूद रहते हैं, उसमें एक लेवल ऑफ डिबेट लेवल ऑफ डिस्कशन होते हैं, संसद का एक गरिमा होते हैं। आज उनके भाषण के दौरान जो हमने देखा है हमारे मन में इतना पीड़ा है, बार बार स्पीकर के चेयर से उसको बोला गया कि आप बात करते समय तर्क प्लस आपका पीठ स्पीकर के ओर ना दिखाए, रूल को पढ़ के भी सुनाया कि कोई भी सदस्य जब सदन में बोलते हैं तो आपका पीठ चेयरमैन और स्पीकर की तरफ नहीं दिखा सकते। वो मोर की बार बार अपने एमपी को एड्रेस कर रहे थे और पीठ बार बार स्पीकर को दिखा रहे थे और फिर जब उसको कुछ बोलते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है। राहुल गांधी को सुनने का जो क्षमता है वो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो भी टेबल से चेयर से कुछ भी उसको मैसेज देता है बोला जाता है उसका समझ में नहीं आता है। डिबेट का लेवल इस तरह गिर गया हमने कभी देखा नहीं है। हम लोग नए नए एमपी बन के आए थे, अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, आडवाणी जी, प्रणब मुखर्जी, कई लोगों का हमने देखा है, हम लोग सीखते थे। आज नए एमपी सीखने के लिए कुछ नहीं बचा राहुल गांधी से क्योंकि आज एलओपी का हिसाब से जो उन्होंने एड्रेस किया, मुझे तो लगता है कि नए एमपी को बोलना पड़ेगा कि इससे मत सीखो क्योंकि सब लोग पहले सत्र में सीनियर एमपी से सीखते हैं और इस बार तो 282 नए सांसद चुन के आए हैं और पहले सेशन में जिस तरीके से नए एमपी को देखने को मिला, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसीडिंग्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरा गरिमा गिरा दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो बेसिकली जो रूल्स एथिकेट्स है पार्लियामेंट का उसको मानना चाहिए और उसी से सदन चलता है, एक परिवार और एक व्यक्ति से सदन नहीं चलना चाहिए, नियम। उन्होंने स्पीकर को बार बार बोला कि माइक बंद करता है, स्पीकर बार बार बोला जब समय देता है तभी माइक ऑन होता है और वो बार बार सस्पेंशन का बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सस्पेंड किया जाए। इसी लास्ट पॉइंट से मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसदीय इतिहास में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंट एड्रेस करते हैं तो उसका तुरंत बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होते हैं। आप आज पलट के देखिए राहुल गांधी जी का पूरे भाषण में एक शब्द माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद तक नहीं दिया, उसको सिस्टम ही पता नहीं है। हमारा आप पिछले 20 साल का आप पूरा देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण में हर एक स्पीच को देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं अगर रिकॉर्ड चेक करना आप देखिए, हम शुरुआत ही करते हैं कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करते हैं। आप अपोजिशन है, पॉइंट्स को आप एग्री नहीं करते, वो विषय अलग है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का कारण ही है कि हमको सबसे पहले धन्यवाद देना होता है, औपचारिक होता है। एक शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद का कोई देने का जरूरत नहीं समझा। मुझे बहुत खेद है कि ऐसा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना नीचे गिराया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता है, मैं अभी भी अपील करता हूं उसको थोड़ा ज्ञान वरदान करना चाहिए, राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि ऐसा करके भारत के महान संसद का गरिमा को नीचा ना गिराए। धन्यवाद। एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं
आज राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने कुछ बातें कही थी आपत्तिजनक, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, जो नेता सदन है, उन्होंने इस पर आपत्ति की और खड़गे जी ने रिग्रेट कर दिया। तो राहुल गांधी जी को भी उससे सीखना चाहिए। Already our Ashwini Vaishnav ji has already mentioned about some of the points. What we have requested, Honorable Speaker, from the floor of the House is that all those unverified statements made by Rahul Gandhi, we have challenged instantly. So we have made a request to Honorable Speaker to pass a direction that if we have made a unverified statement, then we are ready to take a corrective course. But if the leader of opposition has made or he has lied on the floor of the House, then he has to face the rules and regulations of the House. So we have made a request to Honorable Speaker. He had already assured on the floor of the House that he will pass a necessary and appropriate direction on that regard. देखिए, ये बहुत सिंपल सा रूल है, वहां अलग अलग रूल है, मैं अभी लंबा कोट नहीं करना चाहता हूँ। आप जब कोई बात रखता है, स्पेशली आप जब कोई एलिगेशन देता है, तो आप उसको वहां पे सदन पर आपको सब्सटेंटिएट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। तो उसके लिए चेयर से कहा गया कि ही हैज टू ऑथेंटिकेट व्हाटएवर ही हैज सेड, और हमने भी मांग किया है, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया जो अश्विनी जी ने ऑलरेडी आपको बताया पॉइंट्स। तो तर्क के बिना उन्होंने बात रखी है और हमने मांग किया है कि कार्रवाई होना चाहिए, और हम अभी उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो आश्वासन दिया है लोकसभा के सदन में, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। नहीं करते हैं तो उसको माफी मांगना पड़ेगा सदन में सबसे पहले, फिर देश को। आप गुमराह करके, लीडर ऑफ अपोजिशन है, झूठ बोलने का पद नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं सदन में और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैं उसके लिए किस गंभीर रूप से उसका कार्रवाई होगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्पीकर तय करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने के लिए हमारा अनुरोध है। देखिए, संसद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एलओपी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति बोले उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सारे फैक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी करके सही चीज को रखे, क्योंकि देश के सामने जो विषय जाता है उस विषय के पीछे तथ्य क्या है वो जानकारी उनकी होनी चाहिए। इसलिए ये सत्यापन करने का हमारा उनको ये कहना, आज हमने जो मांग की है हाउस में वो सही मांग की है और हम अध्यक्ष जी ने उसका सपोर्ट भी किया। देखो, बहुत ही स्पष्ट एक दिखाई दे रहा था, चाहे एक कोई भी विषय आप ले लो, कहीं पर भी श्रीमान राहुल गांधी ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो नहीं किया। नीट के बारे में उन्होंने कोई बात की ढंग से कि नीट की जगह ऐसा होना चाहिए, अग्निवीर का अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन दिया होता तो बात थी। वो दलित की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में दलित एक लिकर ट्रेजेडी में 53 दलित या 54 दलित उनका देहांत हुआ, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की। समाज की जो प्रॉब्लम्स को ऑपोजिशन के लीडर के हिसाब से उनको रखना चाहिए एक सॉल्यूशन के आधार पे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ऐसा उन्होंने किया क्या? नहीं, उन्होंने केवल एक फ्रिवलस वे में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन स्टेटमेंट्स की सत्य उसके पीछे तथ्य क्या है उसकी भी उनको जानकारी नहीं।